नाम मंजू, उम्र 38 साल। काम ऐसा जो बड़े बड़े शातिर अपराधियों के होश उड़ा दे। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये महिला मंजू है। मंजू पर ये आरोप है कि उसने अपने पति की फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी हासिल की है। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि मंजू के तीसरे पति ने किया है। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल सीकर जिले की रहने वाली मंजू ने 3 शादियां की हैं। पहली शादी मंजू ने साल 1996 में गुढ़ा गौड़ जी के रहने वाले राम निवास से की थी। दोनों की शादी करीब 4 साल चली। उसके बाद साल 2000 में इनका तलाक हो गया। इसके बाद दोनों ने ही दूसरी शादी कर ली। मंजू ने दूसरी शादी लक्ष्मणगढ़ के कुमास के रहने वाले बाबूलाल से की और उसके साथ रहने लगी। इस बीच 11 दिसंबर 2001 को राम निवास की मौत हो गई, जिसका डेथ सर्टिफिकेट 20 दिसंबर 2001 को जारी हुआ। पहले पति की मौत के बाद मंजू के मन में सरकारी नौकरी का लालच आया और उसने अपने पहले पति के 2001 के डेथ सर्टिफिकेट को 2000 का बनवाया, यानी कि 1 साल पहले का। इसके बाद मंजू ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली और साल 2008 में थर्ड ग्रेड टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। इस दौरान मंजू ने अपनी दूसरी शादी की बात किसी को नहीं बताई। उसी दौरान मंजू की दूसरी शादी में भी प्रॉब्लम आने लगी और कुछ दिन के बाद ही मंजू ने अपने दूसरे पति बाबूलाल को भी तलाक दे दिया। इसके बाद मंजू ने 3 जून 2011 को तोगड़ा के रहने वाले महेश कुमार से तीसरी शादी की। महेश के साथ भी मंजू की खूब लड़ाई होती थी, जिसके बाद मंजू ने तीसरे पति महेश के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा दिया। मंजू की इस हरकत से महेश गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसने मंजू का भांडा फोड़ने का प्लान बनाया, जिसके लिए वो साल 2021 में झुंझुनू के एसपी से मिला और उसने मंजू के फर्जीवाड़े की जानकारी दी। मंजू का सच जानने के लिए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो मंजू की सच्चाई सबके सामने आ गई। इस मामले को लेकर थाना अधिकारी संजय वर्मा ने बताया कि मंजू देवी को फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, जो कि फिलहाल चौमू के पास गोविंदगढ़ पंचायत समिति की ढाणी इटावा के स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात है। पुलिस ने यह भी बताया कि पहले पति के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट से पाई गई इस नौकरी के जरिए मंजू ने करीब 88 लाख सैलरी के रूप में ले चुकी है। फिलहाल मंजू जेल की सलाखों के पीछे है और अपने किए गुनाहों की सजा का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।